हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत वेलकम है हिस्टोरिया चैनल के एक और नए वीडियो में। इंडिया की एक ऐसी डेस्टिनेशन जहां एक साइड तो राजस्थान जैसा दिखने वाला भूरा बंजर और रेतीला व्यू है और एक साइड है केरल की हरियाली, एक साइड झील है तो दूसरी साइड हजारों फीट ऊंचे पर्वतों के बीच है सुंदर घाटियां। ऐसा अद्भुत और अविस्मरणीय है लद्दाख। पर क्या है इस अद्भुत लद्दाख की हिस्ट्री? ऐसे कौन कौन से राजा थे जिन्होंने यहाँ रूल किया और यहाँ बुद्धिज्म कैसे आया? लद्दाख कैसे जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा बना और चाइना का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं लद्दाख की हिस्ट्री को हम इन पांच फेजेस में समझ सकते हैं। अर्ली हिस्ट्री यानी कि आरंभिक इतिहास, तिब्बती राजवंश, नामग्याल राजवंश, डोंगरा नियम और ब्रिटिश रूल। लद्दाख के बारे में दोस्तों 7वीं सदी से ही जानकारी उपलब्ध है, इसके पहले की इन्फॉर्मेशन लिखित रूप में कहीं नहीं है। पर हम जो दूसरे राज्यों की हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें हमें लद्दाख का जिक्र मिलता है, तो उससे हमें काफी सारी खास बातें पता चलती हैं। तो देखते हैं लद्दाख का आरंभिक इतिहास। लद्दाख में बसने वाले सबसे पहले समुदाय थे दार्त समुदाय। दार्त समुदाय एक इंडो आर्यन रेस है। ये समूह उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी भारत और पूर्वी अफगानिस्तान में रहते थे। फर्स्ट सेंचुरी एडी में यहाँ पर कुशन डायनेस्टी का राज था जो कि अफगानिस्तान से आए थे और ये एक समधर्मीय राज्य था, मतलब यहाँ पे अलग अलग धर्मों का पालन किया जाता था। बुद्धिज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म और हिंदुइज्म यहाँ पे फॉलो किए जाते थे। लद्दाख में तिब्बती राजवंश कैसे आया? 8th सेंचुरी तक आते आते तिब्बतन एम्पायर काफी बड़ा हो चुका था और लद्दाख अब तिब्बत के अंदर था, पर यहाँ के लोग मूलतः दार्त समुदाय के थे जो कि आर्यंस थे। तिब्बत के प्रभाव में यहाँ पर बौद्ध धर्म अपनाया जाने लगा जो कि एक तरीके से तिब्बती मूल का बुद्धिज्म है। तिब्बती साम्राज्य के पतन की शुरुआत 842 में हुई और इस दौरान तिब्बती साम्राज्य काफी अलग अलग समूहों में टूट गया। 975 से 1000 एडी तक न्यामागोन जो कि तिब्बत के शाही खानदान के सदस्य थे उन्होंने लद्दाख पर राज किया। अपने राज्य में इन्होंने लद्दाख को काफी बढ़ाया। इस डायनेस्टी के पहले राजाओं के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। न्यामागोन के परिवार ने 13th सेंचुरी तक काफी अच्छे से अपने राज्य की प्रगति करी और सीमाओं को बढ़ाया। 13th सेंचुरी के पहले तक मध्य एशिया में टर्किश, सुलजुक्स और काफी अलग अलग नोमैडिक ट्राइब्स थे क्योंकि रोमन एम्पायर भी उसी समय छोटे छोटे हिस्सों में बट गया था। 13th सेंचुरी के बाद करीबन 1219 से 1223 के बीच में मंगोल इन्वेजन हुआ। मध्य एशिया में ऐसी तबाही के कारण लद्दाख पर भी बहुत असर पड़ा और लद्दाख दो हिस्सों में विभाजित हो गया। ये जो लद्दाख विभाजित हो गया था उसे बाज़गो के एक राजा ने फिर से एकत्रित किया। इस राजा ने अपना उपनाम नामग्याल रखा जो कि आज भी कंटिन्यू है। लद्दाख में अब नामग्याल राजवंश का दौर आया। राजा ताशी नामग्याल जिनका कार्यकाल 1555 से 1575 तक था, उन्होंने एशिया से अटैक करने वाली सेनाओं का खूब प्रतिरोध किया। 1616 से 1642 के दौर में नामग्याल डायनेस्टी के राजा थे सिंगे नामग्याल, जिन्हें लायन किंग का खिताब भी दिया जाता है। इन्होंने बहुत सारे पुनर्निर्माण के कार्य किए जिसे रिस्टोरेशन वर्क कहते हैं। जो मोनेस्ट्रीज बलिस्तीन से आए मुस्लिम सैनिकों ने तोड़ दी थी उन्हें ठीक किया। राजा सिंगे नामग्याल एक मजबूत सम्राट, एक बहुत ही अच्छे राजनेता और एक कुशल बिल्डर भी थे। उन्होंने ऐतिहासिक 9 मंजिली लेह पैलेस का, उन्होंने लद्दाख में हॉर्स पोलो का भी प्रचार किया। अब जानते हैं कैसे आया लद्दाख में डोगरा राज। आगे जाके नामग्याल डायनेस्टी के राजा मुगलों से पराजित हो गए। उस समय जहांगीर और औरंगजेब ये मुगल रूलर्स थे। भारत में मुगल्स करीब 19th सेंचुरी तक रहे, उसके बाद मुगल्स का भी पतन शुरू हो गया और पंजाब और कश्मीर में सिख रूलर आए।
जम्मू के डोगरा इलाके में राजपूत राजा राजा गुलाब सिंह थे। 1834 में लद्दाख के राजा शिसपाल नामग्याल पर डोगरा राजा गुलाब सिंह के जनरल जोरावर सिंह ने हमला कर दिया और लद्दाख डोगरा के कंट्रोल में चला गया। 1841-42 में डोगरा तिब्बतन वॉर हुआ। लद्दाख पर चाइना के अधिकृत तिब्बत ने हमला कर दिया। इस युद्ध के बाद लद्दाख को जम्मू कश्मीर के डोगरा स्टेट में मिला दिया गया। नामग्याल डायनेस्टी के राजा को स्तोक में भेज दिया गया। जब हम अभी भी लद्दाख घूमने जाते हैं तो स्तोक विलेज देख सकते हैं। स्तोक लद्दाख से करीब 6-7 किलोमीटर के अंतर पर है। 1845-46 में जम्मू और कश्मीर में हुआ सबसे पहला एंग्लो सिख वॉर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर में हुए इस जंग में डोगरा राजा गुलाब सिंह ने ब्रिटिश का साथ दिया। ब्रिटिश जीत गए और जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट्स बन गया। गुलाब सिंह ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 के तहत लद्दाख और कश्मीर वैली को ब्रिटिश सरकार से खरीद लिया। गुलाब सिंह ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने खुश होकर प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के राजा गुलाब सिंह को बना दिया। 1947 में भारत विभाजन के बाद लद्दाख जम्मू और कश्मीर का हिस्सा रहा। यहाँ की राजधानी रही श्रीनगर। आजादी के बाद भी लद्दाख में कई तनाव चलते रहे। लद्दाख में स्थित कारगिल के लिए 1965, 1971, 1999 में तनाव बना रहा। 1949 में चीन ने नुब्रा और सिंक्यांग के बीच की सीमा बंद कर दी। ये करीब 1000 साल से इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में एक ट्रेड रूट था। 1962 में चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान के साथ संयुक्त रूप में सिंग्याल और तिब्बत और काराकोरम राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण किया। 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया और दलाई लामा सहित हजारों तिब्बतियों को भारत की शरण में आना पड़ा। उस समय से धीरे धीरे तिब्बती रिफ्यूजी बनकर लद्दाख लेह में आते गए। आज यहाँ पर तिब्बत से काफी रिफ्यूजी रह रहे हैं। पार्टीशन के बाद से ही लद्दाख को श्रीनगर से जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट संभालती थी। भारत सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को एक रिफॉर्म लाया गया जिसके तहत जम्मू और कश्मीर और बाकी के हिस्से लद्दाख से अलग हो गए। तो इस तरीके से लद्दाख अब एक अलग यूनियन टेरिटरी है। तो दोस्तों, आप अगली बार जब लद्दाख जाएंगे तो वहाँ पे जब आप घूमेंगे तो ये सब हिस्ट्री आप अपने माइंड में रखिएगा। और जब भी आप मोनेस्ट्रीज विजिट करेंगे, वहाँ का कोई भी लोकल साइट सीन विजिट करेंगे, तो ज़रूर इन सब चीज़ों को आप रिलेट कर पाएंगे इजीली। लद्दाख के कल्चर में आज भी तिब्बती कल्चर का बहुत इन्फ्लुएंस है। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। आप लोगों ने लद्दाख के तो बहुत फोटोज शेयर करे होंगे क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, तो आप उसकी हिस्ट्री के बारे में ये वीडियो भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।